और इस नाल ही मैं साड़ी अज की अगली टीम सेंट जेम्स चर्च शाहकोट नू टीम ते इनवाइट करांगी कि वो आके अपनी परफॉर्मेंस दे के जाण। आ गया
दिया गया। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुरीली परफॉर्मेंस टीम शाहकोट दी, और असी जानना चाहवांगे साडे जज सहमाना कोलों कि ओ की कहंदे ने इनां दी परफॉर्मेंस बारे। परफॉर्मेंस दे अकॉर्डिंग फिर मैं कहना कि तालियां बहुत घट, एक बार जोरदार तालियां ने दी परफॉर्मेंस ली। बहुत ही वधिया परफॉर्मेंस दिती है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस जिहड़ी है बहुत अच्छी है, और टैक्निकल पॉइंट्स जिदा सरगम और बाकी सारिया चीज़ा जी उन्होंने भी तुसी ध्यान दिता, क्योंकि कई बार सरगम लाने सरगम दे विच अगे पिछे हो जाने, इन्ने सारे मैंबरस ने प्रॉपरली सरगम लानी और एको जगह ते टाइमिंग दे नाल लानी, वो सब तो मेन पॉइंट हुंदा है। और जदों तुसी सरगम ते आए सी मैनूं लगदा सी भी शायद इधर उधर हो सकता, बट वधिया कीता ओवरऑल अच्छा, और मेरे वल्लों ते मैनूं अच्छा लग्या। हमेशा ही तुसी वधिया परफॉर्मेंस दिंदे आ। बिल्कुल, जिस तरह डैनी साहब ने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने दस्या भी तुहाडियां जिहड़ी कोऑर्डिनेशन और मेलोडी हर चीज़ जिहड़ी सी प्रॉपर सी। बाकी गलती जरूर कितना कितें होई आ, वो मैं नोट किया आ लेकिन चलो इन्नी बरीकी नाल आपसी असी राउंड नू नहीं देखिया। नैक्सट राउंड दे विच जिहड़ियां भी टीम्स पहुँचणगियां उत्थे असी ज़्यादा बारीकी दे नाल देखांगे, है ना। लेकिन ओवरऑल तुहाडी परफॉर्मेंस बहुत वधिया, बहुत वधिया। तुसी हाई नोट्स नू भी लड़कियां ने भी बहुत अच्छे तरीके नाल उन्हां नू कंट्रोल किया, कितें भी सुर तों बाहर नहीं होए, और अच्छे हारमोनाइज भी अच्छा किया, सरगम भी अच्छी लगाई, ओवरऑल बहुत वधिया परफॉर्मेंस। गॉड ब्लेस यू। सच्ची बहुत वधिया सी परफॉर्मेंस। जे उही गल करिए कि जदों वधिया टीम हुंदी आ, जां मैं तां इन्हां नू जाणदा, तो उस टीम तो एक्सपैक्टेशंस बहुत ज़्यादा वध जांदियां। सो बरीकी दे नाल जे मैं भी देखा, तो बरीकी दे नाल जे देखा तो मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट तुहाडी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वधिया लगी। जे बिल्कुल बरीकी ना देखिए तो तुहाडी हारमोनीज गलत सीगियां, ठीक है, ना लाओ छड़ दो हारमोनीज, ठीक है। जे तुहानूं लगता कि तुसी आ चीज़ नूं 10 नंबर नहीं कर सकते अपने वालों, उन्हें छड़ दो। जे देखा जाए जे पॉइंट कट्टण दी गल आवे तो हारमोनीज तुहाडियां गलत सीगियां सीगियां सुर विच, पर उस गाने दे हिसाब दे नाल जिहड़ी हारमोनी लगती सी वह नोट्स हारमोनी दे गलत सीगे विच जांदे पए। सो सुर वाइज बिल्कुल वधिया सी हारमोनी, पर टेक्निकल थोड़ी जी उतो प्रॉब्लम आई, बट ओवरऑल बिल्कुल वधिया परफॉर्मेंस। थैंक यू। सो इस नाल ही मैं साड़ी आज दी आखिरी टीम सेंट जोसेफ चर्च कैंट फिरोजपुर नू स्टेज ते बुलाना चाहवांगी कि वो स्टेज ते आन और अपनी परफॉर्मेंस दें। खुशी है छाई हुई और खिल उठा चमन, पैदा हुआ है यीशु है सारा जहां मदन। हर दिल में खुशी है छाई हुई और खिल उठा चमन, पैदा हुआ है यीशु है सारा खुशी।
हरियाली आज छाई सब और दिशाओं में, हरियाली आज छाई सब और दिशाओं में। और खिलती है कितनी ये फूल फिजाओं में, ईश्वर की महिमा जग में गाए करते हुए नमन। पैदा हुआ है यीशु है सारा जहां मगन, हर दिल में खुशी चरनी में देखो लेटा मरियम करा दुलारा, चरनी में देखो लेटा मरियम करा भरे भजन। पैदा हुआ है यीशु है सारा जहां मगन, हर दिल में खुशी है छाई हुई और खिल उठा चमन। पैदा हुआ है यीशु है सारा जहां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस टीम फिरोजपुर दी। और मैं जानना चाहवांगी साढ़े जज सहमाना कोलों कि वह की कहते हैं इन्हों की परफॉर्मेंस बारे। काबिले तारीफ है जी थोड़ी परफॉर्मेंस, वो इसलिए भी क्योंकि इंप्रूवमेंट बहुत दिखाई तुसी है ना, जो असी फिरोजपुर आए सी और उस समय जो जो परफॉर्मेंस दी सी अच्छी सी वो भी, लेकिन अज के मुकाबले बहुत पिछे रह जाती, अज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ड्रैसअप बहुत सोहना हो और जिहड़े सर हारमोनीयम ने बहुत सुंदर हारमोनीयम सर बजाया, क्या बात है, मज़ा आ गया सुन के और बहुत सोहने पीस दिते, बहुत वधिया ओवरऑल बहुत वधिया परफॉर्मेंस। और असीं दिलों चाहुंदे आ भी हुण बाकी देखदे आ जजेस मेरे नाल दे की रिव्यू दिंदे अपना, मेरे वल्लों बहुत वधिया सी गाया। गॉड ब्लेस यू। ये सारा क्रैडिट जो जा रहा हुणे मेरे साथी कह के हटे आ कि तुहाडी ओह वाली परफॉर्मेंस ते आह वाली परफॉर्मेंस जिद्दां कह सकदे दिन ते रात दा फर्क है, सारा क्रैडिट जा रहा जो भी क्रैडिट है। परफॉर्मेंस तो तुसी स्टेज पर करनी होंगी, लेकिन जे कोच तुहानू अच्छे तरीके नाल लीड नहीं करता, ठीक है ना, तो वह परफॉर्मेंस जी वधिया नहीं हो पाती। सारा क्रैडिट जिहड़ा वो मैं मानता है कि ब्रदर जी नू जांदा जिन्होंने इन्नी वधिया क्रिएटिविटी दे नाल कंपोजिशन जिहड़ी तुसी गाई और जो भी तुसी लाइव प्ले किया है ना, ट्रैक नहीं प्ले किया, लाइव प्ले किया, खास करके लाइव प्ले जदों हुंदा है उदों हुंदा मिसटेक्स दे चांस, कितने ज़्यादा टाइम ले लिया, कितने घट पीस ज़्यादा हो गया घट गया, एक पीस से असी इंटरलूड से ज़्यादा टाइम देता, अगली बारी इंटरलूड से घट टाइम देता, ये टाइमिंग्स की जिहड़ा कि तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल कीता है। आई एम वेरी वेरी इंप्रैसड, तुहाडी क्रिएटिविटी, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड द ब्रदर ऑलसो, तालियां जोरदार इन्हां दे लई। काफ़ी वधिया परफॉर्मेंस, चलो क्योंकि मैं तुहाडी प्रीवियस परफॉर्मेंसिस देखिया नहीं है तो मैं इस परफॉर्मेंस नूं ही जज करूँगा। पहली तो गल जो कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट्स ना गाँवता तो मैनू ज़्यादा खुशी होंदी है कि चलो तुसी कुछ अलग किया वधिया किया है ना, तो पर थोड़ा जा मैनू सुर नूं लैके थोड़ी जी दिक्कत हैगी, हाले भी सुर इन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं सगा। तो उही गल माइक तुसी सारे प्लीज़ शेयर करो, ठीक है,
एक मेल वॉइस ही सी तुहाडे तों मेरे ख्याल नाल, ठीक है, उन्हां दी आवाज़ ही आ रही सी। तो माइक शेयर करो और अपने इंस्ट्रूमेंट्स के उत्ते थोड़ा जिहा तबले नूं भी टोन करो और गिटार नूं भी अपना थोड़ा जिहा उहदा वॉल्यूम अप करो और गिटार हो सके तो अपना कंसोल विचों थोड़ी जिही उहनूं टोन वधिया बना सकदे तुसीं। होर तुहाडी गिटार की टोन थोड़ी ना शार्प नहीं सी, सो उहदी क्वालिटी इन्नी वधिया तरीके नाल सुण नहीं पाई, कॉर्ड बड़े ब्लर ब्लर सुणदे पए सीगे, ठीक है, वाजा हारमोनीयम सुणदा पिया सी वधिया तरीके नाल, ते गिटार नूं थोड़ा जिहा तुसी तुहानूं पता जे तुहाडा इंस्ट्रूमेंट कोई टैक्निकल इशू हैगे आ तो उहनूं पहला इंस्ट्रूमेंट उह ट्यून करवाओ, तुसी सब तो लास्ट विच तुसी अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून करन लगे हो सके, सो सब तो पहला हुण जे तुसी फाइनल्स विच जांदे तां पहले अपनी गिटार करवाओ, तबला कराओ, ठीक है, हारमोनीयम दी कोई एडा इशू आया नहीं, सो उह हो जाऊंगा वधिया, ठीक है। सो ओवरऑल वधिया परफॉर्मेंस सीगी, ते देखदे आ की रिजल्ट आउंदा। थैंक यू सो मच। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਆਰ ਐਮ ਜੋਨ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਰ ਆਰ ਐਮ ਜੋਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਲੈਪ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀ ਵੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਾਦਰ ਮਾਰਟਿਨ ਸਾਦਿਕ ਜੀ ਬੁਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। Give a big round of applause for our guest of honor, R.M. John. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 'ਚ ਲਿਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਔਰ ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਫੋਰ ਅਗਲੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਟੀ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜੱਜਸ ਜੋ ਹੈ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦ 41 ਮਾਰਕਸ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 50 ਟੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਮਿਨੀਮਮ 40 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕੋ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਦ 41 ਮਾਰਕਸ, ਸੇਂਟ ਮੈਰੀਜ ਚਰਚ ਗਾਖਲਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 40 ਮਾਰਕਸ, ਬਹੁਤ ਦਮਦਾਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ ਚਰਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਕੋਂਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਤੀਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਹੈ ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਚਰਚ ਬਟਾਲਾ। 40 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੀ ਟੀਮ 42 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ। ਚੌਥੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦ 42 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੇਂਟ ਲੁਕਸ ਚਰਚ ਜਗਰਾਓਂ।
ये पिछले साल के विनर भी रह चुके हैं और अज भी वाकई इन्होंने एक विनर वाली परफॉर्मेंस दी है। तो बाकी टीमों के लिए भी एक चैलेंज आ, फाइनल राउंड जो होएगा पूरी दमखम लगा के तुहानू गाउणा पएगा। थैंक यू वेरी मच। पंजवीं टीम, सब तो पहला असी वेलकम करते हैं पंजवीं टीम का नाम अनाउंस करन तो पहला मिस्टर राकेश शर्मा जी पैपसी दे पंजाब जोन दे हैड, मैं उन्हां दा वेलकम करदा। तो मिस्टर नंदा जी जो कि एग्री नैचुरल इंडिया स्टीविया दा प्रोडक्ट जिहड़े आ पूरे पंजाब ने पूरी इंडिया भर दे विच बना रहे आ, उन्होंने चीनी इजाद की है जो कि शुगर फ्री है, लार्ज स्केल उत्ते काम चल रहा ताकि साडे घरां तक जिहड़ी उह सस्ती चीनी पहुँच सके जिहड़ी कि शुगर फ्री होवे। जोरदार तालियां साढ़े राकेश शर्मा जी और मिस्टर नंदा जी, उन्होंने नाल आए सर मिस्टर जतिन शर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां साढ़े डिग्नेटरीज वास्ते जिहड़े साढ़े वी आई पी आए पहुँचे आ। और मैं दस देवां कि पैप्सी कंपनी सानू हर साल सानू स्पोंसर करती है, एग्री नैचुरल इंडिया छोकरा साबण और पैप्सी कंपनी हमेशा सानू साढ़े नाल आ, और उम्मीद करदा हमेशा जिन्नी देर तक असी रहांगे साडे नाल हमेशा उन्हां दी एप्रीसीएशन, उन्हां दे गुड विशेस और उन्हां दा प्यार साडे नाल रहेगा। सो ये स्पोंसर हैं साडे इस प्रोग्राम दे, ते मैं उन्हां दा तह दिल तो स्वागत करदा। फादर जी बुके पेंट करके उन्हां दा स्वागत करनगे। मिस्टर राकेश शर्मा जी तालियां बहुत घट है जी। मिस्टर नंदा जी जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां साढ़े शर्मा जी। पंजवीं टीम जो ग्रैंड फिनाले दे विच जा रही है सेंट एंथनी चर्च लाहौरी गेट अमृतसर। अगली टीम मैं मिस्टर बॉब, जिन्हां दी पहचान दा तां कोई असी कराए नहीं सकते, पूरी दुनिया उन्हां नूं जानदी है। मिस्टर बॉब एक बारी जोरदार तालियां, मैं सैटिस्फाइड नहीं होया इन्हां दी इंट्रोडक्शन। ये फिल्म इंडस्ट्री दे साडे बहुत ही वड्डे कलाकार साडे भरा मिस्टर बॉब, साडे अपने भरा क्रिश्चन ब्रदर जिन्हां ने सानूं साडी कौम नूं रिप्रजेंट कीता फिल्म इंडस्ट्री दे विच। सारे ने सुनिया मेरे ख्याल से उदों सारे बाहर सी जदों गाना लगा सी, मैं जदों तेरे खाबां वाली राह तुरिया मैं तो जावे ना मुड़िया। ये इन्हां दा ही है जी देन। और अखिल जी दे नाल मिस्टर अखिल इन्हां दे फ्रेंड आ, सिंगर अखिल नूं कौन कौन जानदा, वो सारे जिन्ने भी अखिल दे गीत बनते हैं सारे ये म्यूजिक देंदे आ मिस्टर बॉब जी। जोरदार तालियां इन्हां दे वास्ते। अज बड़ी खुशी दे नाल इन्होंने सानू अपना कीमती समय दिता, इन्हों का एक एक मिनट बहुत कीमती है, इन्हों का एक मिनट भी लैना हो लखा रुपया पे करना पैंदा सही है, पता है ना पंजाबी सिंगर किन्ने लेंदे पैसे लखां दे हिसाब नाल। सो इन्होंने बड़े ही वड्डे दिल दे नाल हमेशा मैनू कहा भाजी दसो की चाहिए कदों आना मैं दसो, मैनू आप फोन करते सीगे। सो ये सारिया गल्लां जिहड़ियां उह खुदा सानू बरकत दे रहा साडे इस प्रोग्राम नू ब्लैस कर रहा, साढ़े जिन्हें भैन भरा साढ़े नाल जुड़े है वो साढ़े नाल बहुत प्यार दिखा रहे हैं। सो अगली टीम अनाउंस करेंगे नंबर 6 टीम मिस्टर बॉब जी अनाउंस करेंगे। मैं स्पेशल टाइम इन्होंने इस करके दिता है वो टीम इन्हों के पिंड तो संबंध रखती है। मैं लगता है इन्होंने आप ही गैस कर लिया। सो 41 मार्क्स के नाल सेंट जेम्स शाहकोट। इन्ह के पिंड तो नहीं इन्ह के एरिए तो संबंध रखती है और वो हमेशा ही वधिया परफॉर्मेंसेस दिंदी आ रही है, साड़ी डाइसेशन कॉम्पीटिशन की भी विनर रह चुकी है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया सारे ने देखा, बहुत नाइस बड़ी वधिया बड़ी सुलझी हुई और वधिया एक जिन्हों कहते कि बड़ी सुरीली टीम है और साड़ियाँ एक्सपैक्टेशन हमेशा उन्होंने तो रहिंदी हैं। सो अगली टीम मैं फिर अपने ब्रदर मिस्टर बॉब नू रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगली टीम भी अनाउंस कर दें। लास्ट टीम बट नॉट द लीस्ट इन्हों दे भी 41 मार्क है सेंट जोसफ फिरोजपुर। सो कंग्रेचुलेशन सारिया नू जेडे नैक्सट राउंड विच आ गए। थैंक यू। माझा मालवा दुआबा तीनों जोन किसी तो भी घट नहीं, माझे दी भी टीमां
ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दुआबे दी टीमां ने भी, तो मालवे ने बहुत अच्छी नौक दिती है। इस बार मालवे दी दो टीमां ग्रैंड फिनाले दे विच आ, एक जलालाबाद ते एक फिरोजपुर। इस तो वड्डी खुशी साडे लई नहीं हो सकती कि असी सारे जने मिल के खुदावन यीशु मसीह दी महिमा नूं स्टेज दे उत्ते करके एक दूसरे दे विच प्यार वंडदे पए आ। मैं ये रिक्वेस्ट करदा कि अगला राउंड जिहड़ा वो बहुत जल्दी शुरू होएगा।